नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कृति कला में। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आज हम इस क्वेश्चन का कवर कैसे बनाया जाता है ये सीखने वाले हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है 16x16 की है। तो इसका कवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 16x16 का एक इस तरीके से पैटर्न कटिंग करना होगा। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है हमने यहाँ पे ऐसे भी 16 इंच रखी है और ऐसे भी हमने 16 इंच रखी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इस तरीके से ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। ऐसे ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये जो हमारा पीस हो जाता है 8x8 का हो जाएगा। 8 इंच इस तरीके से रहेगा, 8 इंच इस तरीके से रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसके साथ के जो भी आपको कलर मैचिंग करना हो, दो पीस ऐसे कटिंग करने हैं और दो मैचिंग करते हुए दूसरे पीस के। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है, दो कलर के हमने पीस लिए हुए हैं और बचे हुए कोई भी हो आप वो भी ले सकते हैं या अलग से भी आप मैचिंग करते हुए कपड़ा खरीद सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो पीस इसके साथ के कटिंग करने हैं। तो इसमें हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इसमें हम आधा से पौना इंच का इस तरीके से मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे चारों साइड में। ऐसे ही दो पीस हम यहाँ पे इस वाले पीस में से कटिंग कर लेते हैं। ये भी हमारे पास ऊपर नीचे के लिए हैं, तो ये मैचिंग करते हुए हमने तैयार करने हैं। अब इनको हम ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट कैसे करना है ये आपने देखना है। इस तरीके से यहाँ पे एक पीस रखेंगे, दूसरा रखेंगे हम यहाँ पे ये वाला ऐसे, तीसरा हमारा यहाँ पे ये वाला आएगा और चौथा हमारा आएगा यहाँ पे इस तरीके से ये वाला। तो चारों पीस हम इस जैसे इस एंगल में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है, ये आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगानी है, फिर ये रखना है, फिर यहाँ पे आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगानी है। जब ये इस तरीके से हो जाएंगे फिर हम यहाँ पे ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चार पीस हैं हमारे पास, तो दो दो करते हुए इनको आपस में जोड़ लेते हैं। अब ये वाली जो सिलाई है इसको हम इस तरीके से चीर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो ये वाली सिलाई है इसको भी ऐसे चीर लेंगे और चीरने के बाद आपस में इनको इस तरीके से मैच करेंगे। यहाँ पे ये फर्क नहीं आना चाहिए, सेंटर बिल्कुल हमारा मैच करना चाहिए यहाँ पे सिलाई से सिलाई। तो यहाँ पे भी हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे।
यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो सेंटर है वो मैच कर गया है और चारों पीस हमारे कुछ इस तरीके से आएंगे। अब हमें इन्हें सिलाइयों को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे की साइड यहाँ पे इस तरीके से प्रेस से इसको चीर लिए हैं सभी सिलाइयों को और अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने जो शुरुआत में आपको पैटर्न दिखाया था ये वाला, तो इसको हमें ओपन कर देना है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे जो हमारा सेंटर बनता है ये हमें सिलाई से ऐसे मैच करना है, चारों साइड में इधर की इधर मैच करनी चाहिए और इधर की इधर मैच करनी चाहिए। और ऐसे मैच करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चारों साइड में ऐसे निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये निशान हमें सीधी साइड लगाना है, ये भी ध्यान रखें रॉन्ग साइड में नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है, तो ये हमारा 16x16 का निशान लग चुका है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे इस साइड में अगर हम इसको इसी तरीके से तैयार करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, फिनिशिंग नहीं आएगी, ये जो सिलाई है ये मार्जिन है ये पलटता जाएगा। तो इसके लिए हमें कोई भी अस्तर यहाँ पे एक लेना है, हल्का फुल्का कोई भी कपड़ा, और इस तरीके से रखना है ऐसे, यहाँ पे हम अच्छे से रख देंगे। इससे क्या होगा, फिनिशिंग तो हमारी आएगी आएगी और अच्छे से यहाँ पे ये जो सिलाई वगैरह है ये भी हमारी नहीं पलटेगी, जो मार्जिन होता है ये अच्छे से सेट रहेगा। अब हमें यहाँ पे चारों साइड में ऐसे सिलाई लगानी है, जो हमने निशान लगाया है निशान के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम आधा आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको ऐसे कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कटिंग कर देना है एक साइड से परफेक्ट तरीके से। अब दोस्तों हमें इसके नीचे का पीस चाहिए, क्योंकि ये तो हमने एक अस्तर लिया है सिर्फ इसकी सेफ्टी के लिए, और नीचे का जो कवर बनाएंगे यहाँ पे हम वो जिप वाला बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैंने जिप वाला यहाँ पे कवर तैयार किया हुआ है इस तरीके से। अगर इसकी आप वीडियो देखना चाहें कि कैसे जिप लगती है और कैसे नीचे का पीस तैयार किया जाता है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। और फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो फोन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये जिप लगाई जाती है, प्रॉपर मैं लिंक देके आपको बता दूंगा कैसे इसको तैयार किया जाता है नीचे वाले पोर्शन को। अब जो ये वाली साइड हमने कटिंग की है इस साइड में हमें यहाँ पे जिप रखनी है ऐसे, जिप वाला पार्ट ऐसे रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना है ऊपर की साइड, और बाकी हम पूरा पीस यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब जो हमारी ये सिलाई है आप देख रहे होंगे ये सिलाई नजर आ रही है, इसी के ऊपर हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इस तरीके से चारों साइड में लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने चारों साइड सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो भी कटिंग कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को पलटेंगे, तो यहाँ से जो जिप है इसको हम खोल लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से हम इनको नोक निकालते हुए सीधा करेंगे ऐसे, यहाँ पे हमें चारों साइड की ऐसे नोक निकालनी है और इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये फिनिशिंग आ जाएगी जैसे आप देख रहे हो नोक की, ऐसे ही हम चारों नोक यहाँ पे निकाल लेंगे और कुशन को सीधा कर लेंगे। देखिए हमने सीधा कर लिया है कवर,
और सीधा करने के बाद जो ये एरिया है हमारा ओपन जिप वाला, इसमें से हम यहाँ पे ये कुशन डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुशन हमने अंदर डाल दिया है और कवर आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे हमारा कवर ये तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी बचे हुए या पुराने कपड़ों से बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे कुशन कवर तैयार कर सकते हो, जैसे कि मैंने आज आपको एक आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।